दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और इस माह की पहली मुलाकात में एक बार हम पुनः मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ श्री देवेंद्र दुग्गी जी के साथ में। और हम उनसे चर्चा शुरू करें उससे पहले हम चर्चा का एक विषय लेते हैं हमेशा, और आज मेरे जहन में विषय आया है कल आज और कल। इस नाम से स्वर्गीय राज कपूर जी की एक फिल्म आ चुकी है, काफ़ी हिट भी रही है, लेकिन हम इसको लेकर आप बातचीत शुरू कर रहे हैं देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी, आज की बात से फिल्म बीते कल पे जाते हैं। बीते कल और बीते दिवस हमने सरदार पटेल को याद करा और इंदिरा गांधी जी को याद करा। भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, राजनीतिक इतिहास में सरदार पटेल का उतना ही महत्व है जितना कि इंदिरा गांधी का, क्योंकि दोनों का अपने अपने भूमिका रही, उनका अलग कार्यकाल रहा। और आज हम भारत को जिस स्थिति में देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारियों को उन्होंने एक अच्छा रोल पेश करा और आज हम इस स्थिति में हैं। तो सबसे बात हम वही शुरू करते हैं कि भारत के इतिहास में यदि आप व्यक्तिगत तौर पर सरदार पटेल को याद करते हैं तो किस प्रकार याद करते हैं, और स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को भी आप उनकी भूमिका के लिए याद करते हैं तो किस प्रकार याद करते हैं? पंडित जी, होना ये चाहिए कि हम लोग सब सारे महान जो महापुरुष हमारे हैं, जी इतिहास पुरुष हैं, जी इन लोगों को सबको एक समेकित, एक जैसी दृष्टि से देखें। जी सौभाग्य से इंदिरा जी के समय को मैंने देखा है, जी और वो वाकई में एक दृढ़ इच्छा शक्ति की महिला थी। और उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय, मैंने अपना निजी कोई बड़ा अनुभव नहीं है, जी जो पढ़ा है पुस्तकों से पढ़ा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष कहा गया, जी क्योंकि वो उनकी भी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। ये हमारे एक मेरे ख्याल से कोइंसिडेंस है कि जी वल्लभ भाई सरदार पटेल और इंदिरा जी की पुण्यतिथि एक ही दिन है, जी जी और वो दोनों एक ही जैसे कामों के लिए जाने जाते हैं। जी वल्लभ भाई पटेल को भी बहुत ही सख्त और लोह पुरुष कहा गया, जी इसी तरह इंदिरा जी को भी दुर्गा का अवतार माना गया। जी जी एंड जी शी हैज बीन रियली, उन्होंने जो काम किए उनमें कोई, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति नजर आती थी। जी भले वो जी कोई भी मसला हो, जी इमरजेंसी भी लगाई तो वो उनकी इच्छा शक्ति का ही परिणाम था, जी वो भले से गलत दिशा में चली गई। तो मैं सबसे पहले तो इन दोनों महापुरुषों को नमन करना चाहूंगा, जी इंदिरा गांधी जी को भी, उन्होंने बहुत ही देश को दिशा दी, कोई जी शक नहीं इसमें, और वो वाकई में एक अच्छी जननेता थी, उनको भी मेरा नमन है। तो सर, ये तो रही बीते कल की बात, और अब चूंकि हम नए महीने में हैं, नए बात करते हैं, कल आज और कल में हम आज पे आ जाते हैं। और आज तो हमारा जो है वो कोरोना से घिरा हुआ है, और बड़ी खुशी की बात पिछले 2-3 दिन में इंदौर में देखी है कि हम लोग सैकड़े में आ गए हैं, और शायद बीते दिन तो जो है वो 100 के नीचे था तो कोरोना में। अच्छा, ये भी बात गौरतलब है कि हम इस साल के 300 दिन जो है लगभग लगभग भारत बीत चुके हैं, और अगले जो 2 महीने हैं 60-65 दिन हैं, अब हमें उनकी केयर भी करनी है। तो कोरोना में विश्व में काफ़ी जो है कम जो मरीज आए हैं, और शायद कल का आंकड़ा 48,000 का था भारत का, और 500 लोग की डेथ का था, तो अपेक्षाकृत पिछले मार्च के अपेक्षाकृत काफ़ी राहत वाली स्थिति है। आप एक एनालिसिस कर चुके हैं, आप इस पर कड़ी नज़र रखते हैं, क्या लगता है कि अगले 2 महीने में कोरोना किस स्थिति में होगा और हम कहाँ तक उसको रिकवर कर पाएंगे? पंडित जी, इसमें हमको पहले ध्यान ये देना पड़ेगा कि आज हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, जी ये जी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जी क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसका कोई इलाज नहीं मिला है। जी जब तक इलाज नहीं मिले, तब तक तो बचाव ही एक उपाय है। जी बचने का सबसे बढ़िया तरीका है मास्क और 2 गज की दूरी, जी तो वो हमें अपनाना ही पड़ेगा, सैनिटाइज करना पड़ेगा, वो एक जरूरी चीज़ है। जहाँ तक आंकड़ों का सवाल है, जी ये दुर्भाग्य की बात है कि पूरे विश्व में आज के आंकड़े हाईएस्ट आए हैं, अच्छा मतलब इंडिया में वो नंबर्स कम हुए जी हैं, जी इट जी हैज कम डाउन टू 48,000, जी हाँ लेकिन पूरे विश्व में आज की, जो अखबार में आपने देखा हो, तो शायद 5 लाख मरीज एक दिन में मिले। सबसे बड़ी वृद्धि फिर से होनी शुरू हुई है अमेरिका में जी और शुरू हुई है यूरोप में। इन दोनों जगह लोगों ने बहुत ज्यादा अपनी ढिलाई बरती, या ये कहें आजादी की मांग की। जी जी अमेरिका में आप जानते हैं चुनाव का माहौल है, जी वहां जी भी प्रदर्शन वगैरह लगातार हो रहे हैं, जी और जी जबकि लोगों को संपर्क में एक दूसरे के नहीं आना चाहिए, जी वो लोग आ रहे हैं और बहुत जी गर्मियां हो रही हैं। इसी तरह यूरोप में भी जैसे खुला, लोग छुट्टियां मना रहे हैं, बीचेस जी पर जा रहे हैं, जी तो जी ये समय संक्रमण को रोकने का है, जी कोई तरह की ढिलाई बरतने का नहीं है। ध्यान नहीं देने के कारण ये संख्या बढ़ रही है विश्व में। भारत भले से हमारा कम पढ़े लिखे लोगों का देश हो, जी लेकिन समझदार लोगों का देश है, जी और अगर आज हम लोग ये प्रिकॉशन रख पाएंगे,
तो इसकी दूसरी वेव को भी हम रोक सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो मैं आग्रह करता हूँ कि भी हम प्रिकॉशन लें, अभी से लें, मास्क का उपयोग जारी रखें, सैनिटाइज करें और दूरी बना के रखें। और इस मामले में मुझे बहुत दुखद है, अभी भारत में भी, इंदौर में, मध्य प्रदेश के आज में भी चुनाव हो रहे हैं, बिहार में भी हो रहे हैं, और यहाँ पर नेताओं ने प्रेस्टिज इशू बना लिया कि उनकी भाषण नहीं हो रहा है या उनकी सभाएं नहीं हो रही हैं। मेरे ख्याल से ये सब जो है प्रेस्टिज इशू बनाने का कोई मतलब नहीं है, बजाय इसके सतर्कता बरतने का समय है और केयर करके आगे बढ़ने का समय है। कुल जमा यह है कि परिस्थितियों के साथ चले और जो आपकी अपेक्षा और महत्वाकांक्षा है उसको नज़रअंदाज करें ताकि जनता का नुकसान ना हो और आपके भी साख बची रहे। तो सर ये तो है आज की बात, अभी हम कल पे आते हैं। और जैसा कि आपने अपनी बात में जिक्र भी कर दिया है कि चुनाव की बेला चल रही है, 3 तारीख को अमेरिका में चुनाव है, 4 को शायद बिहार का भी सेकेंड फेज का मतदान होगा, और उसके बाद में 3 चुनाव जो हम जैसे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के भी उपचुनाव हैं, बिहार चुनाव है और ख़ास तौर पे अमेरिका। तो पहले हम चाहेंगे कि आप जो मध्य प्रदेश और बिहार के चुनाव पे कुछ बताते हैं, फिर अमेरिका चुनाव एक बड़ा विषय, गंभीर विषय और बड़ा विषय है, तो उस पर भी आपकी जो महत्वपूर्ण राय हम जानना चाहेंगे। पंडित जी, मैं जिस तरह से देखता हूँ वो बहुत आसान है। मध्य प्रदेश के चुनाव में अब क्रिटिकलिटी नहीं बची। जी, कैसे नहीं बची कि जो बीजेपी को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए बमुश्किल 1 या 2 सीट्स की आवश्यकता है। जी, तो मुझे लगता नहीं है कि उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बची है। तो कांग्रेस वैसे भी हारा हुआ युद्ध खेल रही है, जैसे ये मान लेना चाहिए। जी, जी। दूसरा, बिहार के चुनाव वाकई में महत्वपूर्ण है। बिहार के चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जी, मैं जिस तरह देखता हूँ वो कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जंगल राज वापस तो नहीं आ जाएगा। मैं इसको इस तरह देखता हूँ क्योंकि लालू यादव के समय में जो एक्सटॉर्शन रैकेट चलते थे, जो उनकी नाक के नीचे चलते थे, वो सब बंद हो गए। ये भी बड़ी उपलब्धि है। जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव में आते हैं तो बहुत समय जाया होता है, फिर आगे विकास की बात देख सकते हैं, पर वो नेगेटिविटी खत्म करनी बहुत जरूरी थी, जो पिछले 15 सालों में भले किसी पार्टी का शासन रहा हो पर धीरे धीरे वो नेगेटिविटी कम हुई है बिहार में। तो मैं समझता हूँ इसको आगे बढ़ाने का समय है। ये एक समय था जब लालू यादव ने किसी मामले में ऐसे कह दिया था वहां के सत्ताधीशों ने कि ये तो लोग आपको लाश मिल गई क्योंकि हम हैं, नहीं तो आपको ये शव भी नहीं मिलते। इतना बुरा दर्दनाक हाल था जंगल राज का, जो अब सुधरा है, तो ईश्वर करेंगे और आगे बढ़े और बिहार भी आगे आए। मेरे ख्याल से आप सुशासन जो राज वाली बात चली थी, शायद उसको जनता को कंटिन्यू रखना चाहिए। इस प्रकार का मत आपको लगता है और यकीनन 10 तारीख को उसका फैसला भी आ ही जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। सर, अमेरिकी चुनाव पे हम बात शुरू करें, क्योंकि कुछ समय से अमेरिका की हालत काफ़ी ख़राब है, वो चुनाव भी अलग अलग मुद्दों पर लड़ता रहा है, उसके मामलों में हस्तक्षेप भी हो रहा है, और अमेरिकी चुनाव जब भी होते हैं पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र होते हैं, चिंता का विषय भी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी फिलहाल सुपर पावर वो है और उसके चुनाव, उसके नतीजे का, और ख़ासकर जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं उनका दुनिया पे काफ़ी असर होता है। तो अब हम, चूँकि आपका विस्तृत अध्ययन रहा है इस बारे में, तो हम हमारे दर्शकों के लिए चाहेंगे कि इस पर आप एक समीक्षा तो पेश कर ही दें। पंडित जी, अमेरिकी चुनाव के बारे में आज जो मेरा ओपिनियन है वो इस तरह से, जी अमेरिका में चुनाव के लिए आज कोई मुद्दा ही नहीं है। जी, आपको आश्चर्य होगा मुद्दा कैसे नहीं, पर वाकई में आज मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ का है कोरोना, जी, जिसके बारे में सब अलग अलग तरह से उसे डील करना चाहते हैं, बिडेन हो या ट्रंप हो, और उसके बारे में भी उनके बीच में कोई तरह का सहमति नहीं बन पा रही है। जी, ये दुखद है। दूसरा ये है कि अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दम भरता है, जी, और वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्टली होता है, जो अन्य देशों में कई जगह नहीं भी होता है। तो उस तरह के माहौल में अमेरिका आज सबसे बड़े प्रजातांत्रिक खतरे से गुजर रहा है। जी, मैं तो ऐसे मानता हूँ कि अमेरिका का प्रजातंत्र आज खतरे में, वो प्रजातंत्र जिसको हम भारत में खतरा खतरा चिल्लाते हैं, वहाँ भारत में तो सुरक्षित है, जी, जी, पर अमेरिका में उसके लिए खतरा है। कैसे है पंडित जी, उसको समझे तो, जी, कि आज जब चुनाव हो रहे हैं तो हम देखते हैं वहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो लगभग गाली देने के हालत में एक दूसरे को आ गए, तो उनकी सभ्यता तो गई। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये कि आप देखिए विदेशों का हस्तक्षेप कितना बढ़ गया है। आज उनको रशिया से
टर्की से या दूसरे देशों से इस बात का बहुत बड़ा डर है जी, कि वो लोग हस्तक्षेप करेंगे जी, और क्योंकि ब्रिटेन के पक्ष में या ट्रंप के पक्ष में जी, अभी सारे मीडिया बटा हुआ है, वहां का मीडिया निष्पक्ष नहीं है जी। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है पंडित जी, कि वहां का मीडिया जो है बायस्ड है और पूरी तरह से दो खेमों में बटा हुआ है, इसके चलते हम और आप उसकी सही समझ नहीं निकाल पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और सबसे बुरी अच्छी बुरी बात है जो मैं बहुत ही खतरा देखता हूँ, वो ये कि जैसे ट्रंप को जिन राज्यों में ज्यादा वोट मिलने की संभावना है जी, तो वहां पर मैंने भी अखबारों में खबर पढ़ी, अगर ये सही है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है जी, कि वहां की जो राज्य सरकारें हैं वो सरकारें वहां पर कम बूथ बना रही हैं ताकि उसको ज्यादा वोट ना मिल जाए। अच्छा, मतलब इस तरह की शासकीय स्तर पर इस तरह जी, की तैयारी दिखी गई है। मतलब कुछ ऐसे पेत्र जो हम भारतीय चुनावों में देखते हैं शायद अमेरिका में भी अप्लाई हो रहे हैं जी। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं मानता हूं कि अमेरिका में प्रजातंत्र वास्तव में इस तरह से खतरे में है जी, और उसका कारण है नफरत। ये जो इन्होंने एक दूसरे के प्रति नफरत बना दी है, इसका कोई अंत नहीं है। ट्रंप हो या दूसरे हो, वहां पर बहुत सारा हिस्सा मानवता के, आई मीन जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो वामपंथ की बात करते हैं, जी, उन लोगों ने इसको बहुत बड़ा इश्यू बना दिया है, जो बहुत गैर वाजिब है। लोगों को सही मुद्दों पर वोट करना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। मैं इस तरह देखता हूँ सर, अमेरिका में जैसे कि हम देख पा रहे हैं इन दिनों बाइडेन है या ट्रंप है, भारत के मद्देनज़र ये किस प्रकार के, मतलब हम कह सकते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो दो दोनों उम्मीदवार हैं वो कौन बंदा जो है लाभदायक साबित होगा? और ख़ासकर एक चीज़ हम जब बात अपने कर रहे थे तब बताई थी कि अमेरिकी चुनाव में भारी हस्तक्षेप बढ़ रहा है, खासकर रूस का, चीन का, और कभी कभी तो वो भारतीय हमारी भी मदद ले रहे हैं, तो ये चीज़ हम लोग के लिए फायदेमंद है या एक प्रकार से उनके टूल बनते जाते हैं चुनाव में? पंडित जी, हम इसको इस तरह देखो कि भारत के लोग, भारतवंशी जो वहाँ पर हैं जी, वो वोट करते हैं, उनके वोट इकट्ठा, जैसे इंडिया में एक वोट बैंक तैयार कर दिया, पिछला का हो या मुस्लिम का हो या SC ST का हो, ऐसे ही वहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने भारतवंशियों का एक वोट बैंक तैयार किया। जी जी, मैं नहीं समझता कि वोट बैंक का तैयार होना किसी भी हाल में अच्छे प्रजातंत्र की निशानी है जी, ये तो मेरी अपनी ओपिनियन है। रही बात भारत की, तो भारतवंशी इसको एक लीवरेज की तरह इस्तेमाल करते हैं, वोट देंगे और अपने पक्ष में कुछ भी काम करा लेंगे, इस तरह की बात आएगी, नेचुरली आएगी, प्रजातंत्र है तो वो भी तो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। अब तीसरी बात करें तो ऐसे देश एक एक राष्ट्र की तरह भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है वो बिडेन और ट्रंप से कोई उन पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है जी। लेकिन अगर बिडेन का पक्ष जीतता है तो क्योंकि उनके समर्थन में बहुत सारे वामपंथी तत्व हैं जी जी, तो वो एक अलग बात है, क्योंकि उससे अमेरिका की जो पॉलिसी है उसमें परिवर्तन आना हो सकता है, लाजमी है जी। फॉर एग्जाम्पल अभी वहां पर कैपिटलिस्टिक पैटर्न है काम करने का जी, अगर ये लोग जीतते हैं तो वामपंथ का प्रभाव उस पर बढ़ेगा, बढ़ने के बाद में वो किस दिशा में ले जाएंगे वो कहना मुश्किल है, पर मेरी अपनी संभावना है, अगर मैं देखूँ तो इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है कि उनकी पॉलिसी हमारे कारण कोई बदले उनका, क्योंकि ये राष्ट्र की बात है, सामान्य तौर पर भारत से भारत पर उसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी वहाँ पर कैंडिडेट जीतता है, खासकर 3 तारीख को जो मतदान वहाँ होने वाला है और अमेरिका अपना खुद का राष्ट्रपति चुनेगा और 20 जनवरी जब शपथ होगी, खैर वो तो काफ़ी दूर की बात है, हमें पहले ही मालूम चल जाएगा कि जो व्यक्ति जीतता है वो भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा या कितने सकारात्मक वो हमारे प्रति भाव रखेगा। सर, आपने तत्काल टाइम्स के न्यूज़ के लिए बात करी और इतनी अच्छी जानकारी हमारे पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए पेश करी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और एक नए विषय के साथ एक बार पुनः फिर हाजिर होंगे आपके साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।